10 सितंबर दिन वीरवार किसान अध्यादेश के खिलाफ अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने वाले किसानों पर चला पुलिस का डंडा। हजारों की तादाद में एकजुट हो किसानों ने हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विपक्ष भी इस आंदोलन में रहा शामिल। हजारों किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीपली में आयोजित होने वाली किसान रैली के लिए जिले के अलग अलग स्थानों से सैकड़ों किसान रवाना हुए, लेकिन जिला पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। किसानों ने आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने वहीं बैठकर धरना शुरू कर दिया। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बात अन्नदाता की बात करें, व्यापारी की बात करें, हर किसी की बात करें, आज जो आंदोलन कर रही है यूनियन वाले, हमारा ये कहना है कि मानते हैं कि देश में कोविड चला हुआ है और कोविड में सभी देश के लोग देश की सरकार के साथ हैं, परंतु देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोविड कुछ नहीं, वो रैलियां करके चले जाएं, वो अपने अभिनंदन करा के चले जाएं, और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान उसकी आवाज उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम तो ये कहने आए हैं, मेवा सिंह जी आए हैं, मैं आया हूँ, हमारे साथी हैं, हम इनसे कहते हैं किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग पे उनको इजाजत दी जाए अपनी बात रखने की, अपनी बात वो कर लेंगे। किसानों इस प्रकार से डेमोक्रेसी का आनंद नहीं होना चाहिए। सर लाठी चार्ज किया गया है सर किसानों को? ये टोटल प्रजातंत्र के खिलाफ है। किसी को अपनी आवाज दबाने के लिए इस प्रकार लाठी चार्ज कर लो? आप लोगों को आप इजाजत दो, आप उनको 100 आदमी की इजाजत दो रैली की, 100 का तो हमको मिनिस्ट्री की भी वो है, तो 100 आदमी की इजाजत है, 100 आदमी रैली कर लेंगे वहाँ, परंतु ये क्या गेट ही बंद करके रख दो, रो कर दो, ये थोड़ी है। ये टोटल आज डेमोक्रेसी का हनन यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। किसानों पर लाठी चार्ज की गई, हर चीज की हम निंदा करते हैं इस बात की, किस चीज का लाठी चार्ज है? आप उनको बुलाओ, किसान यूनियन के नेताओं को बुलाओ और उनको कहो कि जो सरकार के नियम है, आप सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए 100 आदमी की इजाजत दो, 100 आदमी की रैली करके चले जाएंगे, अपनी बात रख के चले जाएंगे। ये परंतु ये थोड़ी कि आप गेट बंद करके, ये प्रजातंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसान मोर्चे का अध्यक्ष, अभी पिछले दिनों कल उसने बबैन में रैली करी, परसों पेवे में रैली करी, उससे एक दिन पहले शाहबाद में रैली करी, उनके लिए कोविड नहीं है, लेकिन किसान के लिए कोविड का बहाना ढूंढ करने की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसान को अपनी आवाज रखने की इजाजत देनी चाहिए। प्रशासन के साथ जाति करें और जो किसानों पे लाठी चार्ज करी उसकी एक एक लाठी करने से हिसाब लिया जाएगा। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।